अटेली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अनीता यादव ने कनीनाखंड के गांव तलवाना, खेड़ी, खरखड़ा, बास, कैमला, उनहानी समेत विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों ने अनीता यादव का गांव में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं अनीता यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और दावा किया है कि अब की बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखो, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, ये छत्तीस बिरादरी को हक में लेके आया है, छत्तीस बिरादरी की हक की बात करके आया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हक की बात करती है, चाहे महिलाओं की हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे ये अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं इनके बारे में, मतलब फौजी भाइयों के लिए हो, ओएसपी की बात हो, ओपीवाई की, ओपी क्या, ओल्ड एज पेंशन की बात हो, ये सारे मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी है। और मुझे पूरा भरोसा है, जो ही कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, जो ही यहाँ पर सारा काम लागू हो जाएगा। अभी आपने कहा कि पहले 10 साल कांग्रेस ने राज किया, बाद में भाजपा ने 10 साल राज किया, तो क्या 10 साल की कांग्रेस की बारी है? अगर 10 साल काम अच्छा करेगी कांग्रेस पार्टी तो 15 साल भी यहाँ के लोग जाएगी। हम ऐसा काम कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि किसी तरह को उनके पीछे मुड़कर देखने का जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इलाका है, ये फौजियों का इलाका है, भाई जो हमारे हैं फौज में नौकरी करते हैं, लेकिन अग्निवीर जैसी योजना यहाँ ला दी, ये हमने खत्म कर। बहुत विकास हुआ है। पहले जब 2011 में मैं सरपंच बना था, उस टाइम बिल्कुल यहाँ कच्चा था, सब कुछ कच्चा था। अब गांव में कोई भी गली कच्ची नहीं है। बहन जी के द्वारा क्या विकास कार्य हुआ? बहन जी के द्वारा बहुत ज्यादा पैसे दिए गए और उनसे ही विकास शुरू हुआ था। सबसे पहले हमने पंचायती राज में, बहन जी ने हमने चंडीगढ़ बुलाया था, तो सबसे पहले मेरे को 15 लाख रूपये ग्रांट दी थी। हरेक गाँव में, बड़े गाँव थे उनमें भी 15 लाख ग्रांट दी थी, छोटे गाँव को 15 लाख रूपये ग्रांट दी थी।